हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं द बेस्ट क्राइम शो। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है विशाल भारती और आप देख रहे हो ओताकू शोक्स। तो जुड़े रहिए, बने रहिए और आखिर तक देखते रहिए। फर्स्ट है द माइंड हंटर। ये एक अमेरिकन क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसकी रेटिंग की बात करें तो 8.6 है, जो कि बेस्ड है एक ट्रू क्राइम बुक पर जिसका नाम है द माइंड हंटर इनसाइड द FBI इलाइट क्राइम यूनिट, जिसको 1995 में रिटायर FBI एजेंट जॉन डगलस ने लिखा था। कहानी की शुरुआत होती है 1997 में, जहां FBI एजेंट होल्डन फोर्ड होस्टेज नेगोशिएटर के दौरान मिलते हैं और इम्प्रेस हो जाते हैं बिनटेक से। ये दोनों पार्टनर बन जाते हैं और सोचते हैं कि अगर कोई क्रिमिनल गुनाह करता है तो वो क्यों करता है और क्या चल रहा था उसके दिमाग में। अगर इसका इस्तेमाल करके बाकी क्रिमिनल्स को पकड़ सकते हैं, और FBI इसको नाम देती है द बिहेवियरल साइंस यूनिट। सेकेंड है ओजार्क। 2017 में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसकी रेटिंग की बात करें तो 8.4 है। इस सीरीज की कहानी का पूरा फोकस मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर आधारित है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे मार्टी, जो लोगों के सामने एक फाइनेंशियल एडवाइजर है लेकिन अंदर ही अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं और ड्रग कैडलर के पैसों को ब्लैक से वाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन किसी बुरी सिचुएशन के कारण वो अपने होम टाउन को छोड़कर ओजार्क जाकर शिफ्ट हो जाते हैं ताकि वो ड्रग कैडलर के पैसों को वाइट में कन्वर्ट कर सकें, और वो भी सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर। और उर्जा के कुछ लोग चाहते हैं कि मार्टी यहाँ ना रहे, और यही सभी डिटेल्स जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज ओजार्क, और जिसके 3 सीजन आ चुके हैं और हर सीजन में 10 एपिसोड्स हैं। थर्ड द मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट 2017 में आई क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसकी रेटिंग की बात करो तो 8.4 है। मनी हाइस्ट एक ओरिजिनली स्पेनिश शो है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो और इंग्लिश में भी डब किया गया है, और मैं आपको बता दूं कि हिंदी डब कतई नहीं आने वाला है। इस सीरीज में आपको एक्शन, सस्पेंस, लव और थोड़ी कॉमेडी भी मिलेगी। सीरीज की शुरुआत ऐसे तेज दिमाग वालों के आसपास लिखी गई है जो दुनिया के सबसे बड़ी डकैती करके हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें आर्मी, पुलिस या पूरी कंट्री से लड़ना पड़े तो वो पीछे हटने वालों में से नहीं। इस पूरे प्लान के मास्टरमाइंड है प्रोफेसर नाम के चालाक इंसान, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बस इस चोरी की प्लानिंग में कर दी। दिमाग से वो राक्षस हैं जो अपने शिकार को चारों तरफ से घेर लेता है और बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ता। और इसके 2 सीजन आ चुके हैं जिसमें टोटल 31 एपिसोड्स हैं। फोर्थ नार्कोस मैक्सिको। नार्कोस मैक्सिको एक क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है जिसकी रेटिंग की बात करें तो 8.4 है। इस सीरीज का पूरा फोकस इलीगल ड्रग ट्रेड पर है जो कि बेस्ड है सिनोलोवा में। तो इस कहानी की शुरुआत होती है सिनोलोवा सिटी से, जो मैक्सिको में है, जहाँ पर इन ड्रग की खेती होती है और बहुत बड़ा बिजनेस होता है जो चला रहे होते हैं वहाँ के ड्रग डीलर। और वहाँ एंट्री होती है एंजल फेलेक्स की, जो कि वो एक पुलिस ऑफिसर हैं और उनकी पहचान होती है ड्रग डीलर से। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वहाँ की आर्मी और गवर्नमेंट मिल जाती है और किसी कारण फेलिक्स को पूरा बिजनेस ग्वाडालारा ले जाना पड़ता है, और उनकी मुलाकात होती है वहाँ के फेमस ड्रग डीलर नारंजो से। तो क्या होता है आगे, यही सभी डिटेल्स जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी नार्कोस मैक्सिको। फिफ्थ गौथम। गौथम एक अमेरिकन क्राइम एक्शन वेब सीरीज है जिसकी रेटिंग की बात करें तो IMDb ने इसे 7.8 रेटिंग दी है, जिसके टोटल 5 सीजन है। ये सीरीज बैटमैन कैरेक्टर पर बेस्ड है। ये सीरीज बिल्कुल बैटमैन मूवी की तरह है, जहाँ इस सीरीज की स्टोरी जेम्स गॉर्डन के परस्पेक्टिव में दिखाई गई है। तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है गौथम सिटी से, जहाँ पर थॉमस और मार्टिन वेन का मर्डर हो जाता है, और जिसके बाद गौथम सिटी में क्राइम बढ़ते ही जाता है और डिटेक्टिव जेम्स बढ़ते क्राइम को कंट्रोल करना चाहते हैं और वो उसको कर नहीं पाते। तो क्या जेम्स इन क्राइम को कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं, ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। सिक्स्थ है द रिपर स्ट्रीट। रिपर स्ट्रीट एक ब्रिटिश टीवी सीरीज है जिसकी रेटिंग 8.1 है और इसके 5 सीजन आ चुके हैं। ये सीरीज सीरियल किलर जैक द रिपर के ऊपर बेस्ड है। जैक द रिपर, जिसे माना जाता है कि 1888 में लंदन के व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव था। इस सीरीज की स्टोरी 1889 में जैक रिपर के मर्डर के 6 महीने बाद शुरू होती है, जहां डिटेक्टिव एडमंड रीड और डिटेक्टिव सर्जेंट बेनेट ड्रेक लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना चाहते हैं लेकिन मर्डर रुकने का नाम ही नहीं लेते, मर्डर होते ही रहते। तो क्या होता है आगे सीरीज में, आपको ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। सेवंथ हैनिबल। हैनिबल एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है जिसकी रेटिंग की बात करें तो 8.5 है। इसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं। इस सीरीज की स्टोरी बेस्ड है नॉवल पर, जो कि रेड ड्रैगन हैनिबल एंड हैनिबल राइजिंग के कैरेक्टर पर बेस्ड है। इस सीरीज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। जो बिहेवियरल साइंस का हेड है जैक क्रॉफोर्ड,
रिक्रूट करता है विल ग्राहम को एक सीरियल किलर की इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन केस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने के कारण फॉरेंसिक डॉक्टर हैनिबल लेक्टर इस केस को सुपरवाइज करते हैं, और जो कि खुद ही एक सीरियल किलर है। और यहीं से स्टोरी में इंटरेस्टिंग शुरू होती है। 8th, डेयर डेविल्स। डेयर डेविल एक अमेरिकन एक्शन क्राइम ड्रामा और सुपर हीरो वेब सीरीज है, जिसकी रेटिंग की बात करें तो 8.6 है, जिसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं। यह सीरीज मार्वल कॉमिक के डेयर डेविल्स के ऊपर बेस्ड है। सीरीज का लीड कैरेक्टर मैट मार्डक, जो बचपन में किसी केमिकल एक्सीडेंट की वजह से अंधा हो जाता है, और उस एक्सीडेंट की वजह से उसे सुपर ह्यूमन सेंसेस मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो दुनिया को एक अलग ही नज़रिए से देखने लग जाता है, और वो दिन में एक लॉयर बनकर और रात में डेयर डेविल बनकर लोगों को इंसाफ दिलाता है। 9th, द पनिशर। यह भी एक अमेरिकन क्राइम एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसके 2 सीजन आ चुके हैं, जिसकी रेटिंग की बात करें तो 8.5 है। इस सीरीज के लीड कैरेक्टर हैं फ्रैंक कैसल, जिन्होंने डेयर डेविल्स का रोल किया था, और किसी कारण फ्रैंक कैसल के फैमिली का मर्डर हो जाता है और वो अपनी फैमिली का बदला लेते हैं और वो पनिशर नाम से जाने जाते हैं। वो पनिशर इसलिए नहीं बनता कि वो शहर से क्राइम को ख़त्म करना चाहता है, बल्कि इसलिए बनता है क्योंकि उसका सब कुछ छीन जाने का गुस्सा, पेन और अंदर से उसे इतना तोड़ देता है कि उसे पनिशर बनने पर मजबूर होना पड़ता है। और बदला लेने के बाद उसे न्यूयॉर्क सिटी के क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड के बारे में फैमिली से जुड़े गहरे राज पता चलते हैं, जिससे वो वापस पनिशर बनने की सोचता है। और क्या होता है इस सीरीज में, वो तो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। और 10 पे है ट्रू डिटेक्टिव। ट्रू डिटेक्टिव एक अमेरिकन एंथोलॉजी क्राइम ड्रामा सीरीज है, जिसके 3 सीजन आ चुके हैं, जिसकी रेटिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसकी रेटिंग है 9। इस क्राइम सीरीज की बेसिक स्टोरी भी अलग अलग है और लीड्स कैरेक्टर भी अलग अलग है, जहां पर फर्स्ट सीजन का प्लॉट ये है कि लीड कैरेक्टर रस्टिन और मार्टिन, जिन्होंने 1995 में एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन की होती है, और 17 साल बाद वो दोबारा उसी केस पर पहुंच जाते हैं, बहुत सारे क्लूज और अनसॉल्व केसेस के साथ। सीजन 2 की स्टोरी कैलिफोर्निया में सेट है, जहां इन्वेस्टिगेट और थ्रिलर तब शुरू होता है जब कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल ऑफिसर को करप्ट सिटी मैनेजर की डेड बॉडी मिलती है। और सीजन 3 की स्टोरी 3 सेपरेट टाइम पर दिखाई गई है, जहां 2 बच्चों के गायब होने और केस की इन्वेस्टिगेशन पर पूरी स्टोरी फोकस है, और इस सीरीज में आप कहीं भी बोर नहीं होंगे। तो जाइए और वेब सीरीज को देखिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसे लगी आपको वेब सीरीज। अगर हमारा काम थोड़ा सा भी आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।